ये शादी किस लिए करानी पड़ती है? शादी इसलिए करानी पड़ती है। किस लिए? कि मेरे अब्बा चाचा ने शादी करवाई। अच्छा, तो जो पटवारी पैदा हो और मैंने शादी कराई, तू पैदा होया, तू अगर शादी कराओगे तो भी कोई बोनजोर पैदा हो। अच्छा, मारा कोई बोनजोर होगा? और चौचा होगा महाराज। क्या आपका नाम और शादी चला? शादी नाम और निशान लगानी पड़ती है तो आप तो आपका नाम निशान चल रहा, मेरे क्या करोगे? नहीं तो अगर तुम अगर मैं मर गया, तू मर गया तो फिर तुमसे कौन रात पाठ से कौन का मारा? महाराज मैं शादी नहीं करता। नहीं, आपको शादी ये और अच्छी नहीं होती क्यों? जोर से खैर, आज शादी का नाम थे जो बुढ़ा आदमी बैठा थे, पिछले भी उनका नाम ले गए 18 डाक मार गए। मैं शादी नहीं कराऊंगा, ये औरत अच्छी नहीं होती। अरे ये औरत सारी अच्छी थी, ये चार बोलने की ये चार औरतें हैं। हाँ, मेरी बेगम, मेरी हमशीरा, तेरी बेगम। ओ ब्याह की टाल पिताजी, हो ब्याह की टाल पिताजी। क्यों भाई? पिताजी पिताजी हो प्यार पिताजी भले मर्द कह दाग लगा दे, भले मर्द कह दाग लगा दे, नौकर के पीरी बपा दे, भले मर्द कह दाग लगा दे, नौकर के पीरी बपा दे, तुरंत मिला दे गर्द मर्द का और अपने काल पिताजी के लिए चौधरी फतेहदीन ने क्या सुबह में इनाम
मेरा नशी देते शीश तार के पर मैं लागू ना लवे नार के ये पति मार के छतियों वाले बड़ी छिनाल पिताजी और बैकी टाल पिताजी मैंने कद ब्याह करवा मैंने की रोटी और शादी में तकलीफ हो मोटी पर दो रोटी पर हन्ना चाहिए लत्ते चाल पिताजी और ब्याह की टाल पिताजी। अच्छा मेरा बेचर दर्द शीश तार के महाराज ये भले मर्द का दाग लगा दें ये भले मर्द का दाग लगा दें ना उच्चे घर की बील बुफा दे और तुरंत मिला दे गर्द मर्द का और काल पिताजी और बाकी काल पिताजी। क्या मेरे गुरु बनवारी पाक है मैंने फैज उठाया गुरु बना के कोई नुगरा आकर छले गड़े ना बिल्कुल दाल पिताजी और बाकी काल पिताजी। मैं आपके राजपाट की संभाल करूंगा आपकी खिदमत करूंगा और शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं कराएगा जोर से छीन होती बिल्कुल नहीं। अच्छा तो हमारा तीसरा हुक्म है तीसरा हुक्म ये है कि तुम अपनी माताओं के दर्शन करो। क्या मेरे बहुत माता हमने तो चार चार बैठा रखी चार चार तो इतनी वालदा होंगी इतनी मशीना होगी लाहौर में और अरे एक तेरी माता नोरा दे ठीक है और एक तेरी माता इंछरा दे। इंछरा दे माता जन्म की है और नोरा दे माता फरक फरक की। अच्छा हो बात समझ गया मैं यानी कि इंछरा दे के गर्भ से मैं जन्म लिया और नोरा दे है वो मेरी मौसी माता है तो मुझे पहले किसके पास जाना चाहिए पहले मौसी माता के पास जाना चाहिए। हाँ ठीक है इंछरा दे के गर्भ से मैंने जन्म लिया उसकी आत्मा ठंडी है और उसकी जरा गर्म गर्म है। ठीक है मैं ये बात आपसे मानता हूँ जाओ फटाफट जाओ। अब जाने को ये मालूम होता है लड़का पूर्णमल असीम और खसूस था अब रानी हाथ सिंगार बनाकर और जो डिब्बे खेलती है लड़के पूर्णमल के इंतजार में अब वो लड़का पूर्णमल जैसा है वो बांधी उससे मिलती है और बांधी से बात करते हैं बांधी बात यह है। अरे सलाम आप कौन हो मैं नौकर हूं मेरी माता की माशाल्लाह लिबास तो अच्छा आपका। एक काम करें महल में जाएं और रानी नोना दे के कहें अगर आपका लड़का पूर्णमल आपके मिलने के लिए आया हुआ है। चलो दो किसे आए हो जाओ ये कह रहा कि ठोकी से आए हो बराबर हो गया करो मेरा लड़का किधर आया लड़का पूर्णमल आपके दर्शन के लिए ड्यूटी पे है। अच्छा तो मैं अभी जाती हूँ बैठ जाओ अब वो हाथ सिंगार करके और थाल उठा के और जाती है क्या करती है आरा भाई हम नोरा दे क्या बिजनेस और अच्छा इतने जाओ सो आप जल्दी करें बोले सुन के पूरण मलिकी बोले सुन के पूरण मलिकी पूरण मल तेरे पूरण मल तेरे
अरे माँ अरे न्यू किसर बोली सारी गई ऊपर